काम कर रही है हमारी माताएं बहने और हमारे हेमरेश भाई और पीछे वो भौजी क्या नाम है उनका प्यारे लाल जी बड़े ही प्रेम के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे अमजद जी हमारे फेडरेशन के हाथ में है। अमजद जी क्या काम मिला और इनको और परिवर्तन में देखो जो रोजगार मिल रहा है अभी 125 दिन का जो गहलोत जी ने करा है वो कम से कम उसको 200-250 दिन कर दिया ताकि आदमी उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़े और उनको रोजगार में थोड़ा सा पैसा थोड़ा बढ़ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आदमी सही रोजगार मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो 60 से ऊपर जो बुजुर्ग है उनको विशेष सुविधा दी है क्योंकि उनको अधिकतर 60 से ऊपर बात वो होते हैं उनको काम नहीं मिलता है उनके लिए भी ये योजना लागू करनी चाहिए ताकि वो भी योजना से जुड़ सके उसका लाभ उठा सके। तो वास्तव में सही बात है कि जिनकी उम्र 60 से ऊपर है वो लोग इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। उन लोगों के आवेदन की प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि कोई बेटा रोटी नहीं दे रहा है और सरकार की तरफ से पेंशन भले ही मिल जाती है लेकिन पूरे महीने के लिए पर्याप्त नहीं है। राशन मिल जाए लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी चाहिए। बहुत सी बहुत सुविधा है जो नहीं मिल पाती बिना पैसे के। तो अगर ये योजना उनके लिए भी लागू कर दी जाए 60 साल से ऊपर बुजुर्ग जो भी महिला पुरुष है जो करने के इच्छुक है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है काम जो है वो हो रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये काम चालू है और इससे श्रमिक बहुत खुश है। पहली बार राजस्थान सरकार ने इनके शहरी गरीबी लोगों के लिए शहरी ज़रूरतमंद लोगों के लिए सोचा और इस योजना को लागू किया। धरातल पर ये योजना उतरी है और उदयपुर में तो नंबर वन योजना उतरी है। उदयपुर में इतनी लेबर काम करी करीब करीब यहाँ से 1200 से ज़्यादा लेबर अभी वर्तमान में काम कर रही है और लगातार मिस्टॉल आते जा रहे हैं। अभी 1800 लोगों का मिस्टॉल भरा गया और फिर लगातार इस मिस्टॉल को और बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में उदयपुर जैसे कि हमारे पूर्व में जो G20 हुआ था उन्होंने कहा था उदयपुर वेनिस है भारत का, तो हम उसको वेनिस तब बनेगा जब इन लोगों को वेनिस बनाया जाएगा। हमारे इनको भी भाइयों को भी स्मार्ट बनाया जाएगा, इन लोगों के आय को बारे में सोचा जाएगा, इनको इतना मिले तनख्वाह इतनी मिले कि अपना रोजगार घर चला सके। तो इसके लिए आह्वान है सरकार से कि वो इसको थोड़ा सा बढ़ाए, तनख्वाह भी बढ़ाए और दिन भी बढ़ाए। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई स्टोरी में नए काम के साथ और धन्यवाद सरकार का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक अच्छी योजना लागू की है और इसलिए धरातल पे ये योजना उतरी है। और हम श्रमिक भाइयों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि इनके जीवन में बेहतर खुशियों के रंग आए। बहुत बहुत धन्यवाद।